नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा होइन। आज मेरो स्पेसल पोकको खुट्टी अचार होइन, अनि रायोको साग, अनि आलु, मुला, काँक्रा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो हरियो मटरको अचार अनि डल्ले। दोस्तो आज मेरा स्पेसल पोक करी है, पोकका खुट्टीको अचार, जो ए निचेको पाडो होता है लेग पिसका उसका अचार है, इसको अचार बोलता है। और रायो और ये आलू मूला खीरा और हरा मटर, शुरू में तातो तातो है। फर्स्ट बाइट तात तातो, बहुत तातो है। डल्डे नेपालमा एकजना सर हुनुहुन्छ, त्यो सरले मैले यस्तो भाकाको देखेँ भने त मन पर्दैन होला उहाँलाई। त्यो सरको नाम चाहिँ नि राजेश सर हो, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला, मैले पनि चिन्छु, तर मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्न। उहाँले कतै भिडियो देखिहाल्नु भने कत्रो भाकाको राजेश नाम, उहाँले भाका नै हुनु नि त तातो। ओ पोकको खुट्टी अचार सुपर दामी मिठो, जेडा मटरको भित्रसम्म तातो भयो, तातोले गरम गरम होइन दोस्तो, ए अन्दर पनि गरम गरिदियो जलवा। अगर आप लोग इन्डिया से है तो माफ करना, मेरे को इतना हिन्दी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मिठो
देख लीजिए, ये पोक का जो थाई होता है ना पीछे का, पीछे आगे पता नहीं, उसका नीचे का पार्ट लेग पीस, इसका खुट्टी अचार है। मर्चु पो क्या मतलब साह्रै मिठो, आलू तातो आज मैले बलमा हालिनँ कि, कराही पनि भाँचेको छ त्यही भएर तलै राखेको छु। प्लिज तपाईँहरू हेर्नुहोस्, म खान्छु तपाईँहरूले साथ दिनु होला। मैले टिस्यु लिने पनि स्टार्ट गरिसकेँ बानी नपरेर, चाहिँदो रहेछ। अहिले यो खोर्सानी मलाई खानै मन लागेन।
खाएको हड्डीबाट पनि बाफ निस्किरहेको छ, कस्तो तातो भित्र मलाई पुरै तातो बनायो। मतलब यो हड्डी से पनि अभी त जलुवा निकल रहा गरम गरम। जो इसका पीस है पोक है, इसमें बहुत वेट होता है। मैंने लगभग 1 किलो खा लिया। आप लोग जिधर से है प्लीज, नया है तो पहला सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना प्लीज। मिठो प्लिज, भिडियो को जितना सके उतना शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दिनु होला। आज को भिडियो यही अंत करना चाहूँ। थैंक्स फर वॉचिंग, बाय बाय।